अगर किसी को कोई डायबिटीज है या शुगर है तो वो इतना दर्द में नहीं तड़प रहा होता है जितना अर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है। जो दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर, ये अन्न शरीर है। और लेकिन अन्न शरीर अकेला नहीं है, उसके पीछे हमारा एक मन शरीर है। तो मन शरीर अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जो सुबह सुबह उठ के जो चाय पीते हैं ना, वो सबसे बड़ा घातक है उनके लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हैं योग आचार्य विशुराज शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। शर्मा जी, आपको कितने सालों का अनुभव है इस फील्ड में? करीब मुझे 20 साल हो गया लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हुए, और उसके पहले मैं खुद अपना अभ्यास करता था। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप बोलें कि मैं लोगों को जब से ट्रेंड करने लगा, वो उसके पहले मैं म्यूजिक डायरेक्टर था फिल्म लाइन में। और जब मैं डिप्रेशन में जाने लगा, जब मुझे लगा कि मेरी पार्टनरशिप टूट गई थी और ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे एक ऐसे नेगेटिव थॉट्स इतने आते थे कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, तब मेरे गुरु ने कहा था कि जब भी तुम संकट में फंसोगे ये योग काम आएगा। और जो बचपन में मैंने यूं ही किसी आश्रम में जाके गुरुजी से योग सीख लिया था, वो काम आया और मैं डिप्रेशन में जाने से बच गया और एक नई लाइन मेरे लिए खुल गई। और तब से, उसके बाद से मैं लगातार लोगों को योग सिखा रहा हूँ। आप कहाँ से हैं राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और और आप फिर? रहता मुंबई हाँ जी, मुंबई बोलिए। में। मुंबई में करीब रहते हुए मुझे 25 से 30 साल हो गए, करीब 30 साल होने को आए। पहले मैं म्यूजिक का काम करता था और करीब अभी 20 साल से तो सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे योगा में ही पूरी तरह से कार्यरत हूँ। जब से आप मुंबई में रह रहे हैं करीब आपको 25-30 साल हो गए, कहने का मतलब ये कि आपका अनुभव भी लगभग 20 सालों का ही है, तो आपने मुंबई में ही ये इन सब वर्षों में अनुभव किया है। हाँ, मुंबई में ही, क्योंकि मैं मुंबई से बाहर गया ही नहीं और पर्सनल ट्रेनिंग करता था तो मेरा बाहर का कोई अनुभव भी नहीं था। जितने लोग जो मिलते गए और सेवा देता रहा और धीरे धीरे वो अनुभव बढ़ता रहा। तो क्या आपके पास में अर्थराइटिस के भी मरीज आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं और मैंने ये महसूस किया है कि वो बहुत पेन में होते हैं, बहुत ज्यादा उनको हीलिंग की जरूरत होती है। बाकी अगर किसी को कोई डायबिटीज है या शुगर है तो वो इतना दर्द में नहीं तड़प रहा होता है जितना अर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है, उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता। क्या आपके पास में कोई ऐसी पेशेंट भी आई हैं जो कि रूमेटाइटिस अर्थराइटिस से ग्रसित हो? हाँ, ऐसे आए हैं और उसमें मैंने ये महसूस किया कि उनको तो बहुत ही ज्यादा, मतलब सीवियर प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। इसमें एक समय उनका ऐसा था कि वो 5 साल से इतनी पीड़ित थी कि एक अपना पानी का बोतल भी उठा नहीं सकती थी, और पानी का बोतल उठाना तो दूर की बात है, वो ढक्कन भी खोल नहीं पाती थी। और जब से मैंने उनके साथ योग का अभ्यास किया और जो मेरा एक सिस्टम है, आहार मैं पहले ठीक करता हूँ, फिर उनके जो विचार इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं क्योंकि दर्द से बहुत ज्यादा वो पीड़ित होते हैं, इस वजह से जो मैं बात कह रहा होता हूँ कुछ बातें तो उनके समझ में ही नहीं आती, और कुछ बातें वो समझ चुके होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो उनके साथ थोड़ा समय लगा लेकिन 3 महीने में मैंने देखा कि नतीजे बहुत ही अच्छे आए, और इतने अच्छे आए कि वो सारा कामकाज वापस करने लग गई और बहुत ज्यादा उनके परिवार वालों को भी खुशी हुई, और मुझे तो आप समझ ही सकते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने ज्यादा जिनके सिम्टम होते हैं तो उस पेशेंट को हाथ में लेना एक थोड़ा रिस्की फैक्टर भी लगता है मुझे।
कहने का मतलब ये है कि आपने आहार, विचार और व्यवहार तीनों पर काम करा। यहाँ पे आहार, विहार और विचार से आपका क्या मतलब है? देखिए, मैंने बीच में आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, उनकी डीआईपी डाइट पर काफी काम किया था और कुछ जो ऑर्थराइटिस के पेशेंट थे उन पर भी मैंने ये अप्लाई किया था। रिजल्ट आ रहे थे लेकिन मैंने उनके गियर नहीं बदले थे डॉक्टर साहब का। मैंने करीब करीब हर एक वीडियो उसके बाद देखा था और सारी चीजें मैंने आहार के रूप में उनकी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो आहार जितना भी मैं बदलता हूँ ज्यादातर उसमें डॉक्टर साहब का हाथ है, डीआरसी सर का हाथ है। और लेकिन उसमें कुछ और भी जो आयुर्वेद के जानकार हैं, कुछ आयुर्वेद से जो मेरी मेरे गुरु की तरफ से जो जानकारी मिली मैं उसमें भी वो इम्प्लीमेंट करवाता हूँ पेशेंट के हिसाब से। एक तरह से सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से उसका एक तरह से मुझे चार्ट बनाना पड़ता है, डाइट का चार्ट बनाना पड़ता है और वो चार्ट बनने के बाद फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दूसरा उसका मन भी मुझे ठीक करना पड़ता है। आप देखिए जो दिखाई दे रहा है ना ये शरीर, ये अन्न शरीर है और लेकिन अन्न शरीर अकेला नहीं है, उसके पीछे हमारा एक मन शरीर है। तो मन शरीर अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे आपके पास में एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर आपका अच्छा नहीं है, उसमें कोई वायरस आ गया है तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप करना कुछ चाहोगे हो कुछ जाएगा, तो वो वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने उसमें एंटीवायरस डाल दिया, आपने उस पर बराबर काम किया, तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी काम करना चाहें उस कंप्यूटर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैंने उस पर भी काम किया। और तीसरा जो एक्सरसाइज है, जो क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो मूवमेंट बहुत कम कर पाते हैं तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एक्सरसाइज करवाने के समय, लेकिन उन्होंने मेरी जो स्टूडेंट थी उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और मैंने देखा कि 3 महीने में नतीजे बहुत अच्छे आए। आपने अभी बताया कि 3 महीने में रिजल्ट आए, तो आप शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की, तो आहार में आप उनको क्या चीज खाने पीने को सजेस्ट करते हैं और क्या चीज खाने पीने को बिल्कुल मना कर देते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ साथ और भी कई लोगों की डाइट का मुझ पर असर है, जिसमें आपने खादिर वली साहब का सुना होगा, मिलेट्स का मैं प्रयोग करवाता हूँ जो उनकी सेकेंड प्लेट होती है। फर्स्ट प्लेट जो फ्रूट्स की होती है या सैलेड की होती है, लेकिन सेकेंड प्लेट का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें खासकर मैंने देखा ज्यादातर लोग गेहूं का प्रयोग करते हैं और चावल का प्रयोग करते हैं, मैंने वो बिल्कुल बंद करवाया उनका। और खासकर मैंने उनको यहाँ तक बोल दिया कि आप हो सके तो पका हुआ खाना बंद ही कर दो, किचन का खाना ही बंद कर दो और यही डाइट पे रहो। और उन्होंने 3 महीने तक किचन का पका हुआ कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ उन्होंने फ्रूट्स और जो भी अपने सीड्स जितने होते हैं करीब करीब, जैसे सनफ्लावर सीड है, अपने पम्पकिन सीड है, अपने तिल के दाने हैं, मेथी दाने हैं, तो जो जो मैंने उनको डाइट चार्ट में लिख के दिया था बराबर वो उन्हें फॉलो कर रही थी। और साथ में जो मैं मेडिटेशन का एक ऑडियो बनाकर उनको देता हूँ जिससे उनका मन काफी मजबूत हो, उस वजह से उनको कम से कम 4 से 5 मिनट का एक ऑडियो दिया जाता है। या मैं खुद जब एक्सरसाइज करा रहा होता हूँ तो लास्ट के जो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट उनको मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, तो उसका बड़ा असर होता है। आप किस तरीके से उनको क्या क्या खाने को सजेस्ट करते हैं, मतलब क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, एक सिंपल आम भाषा में बताइए। मतलब सब्जियां खानी है तो कौन सी खानी है, फ्रूट्स खाने हैं तो कौन से खाने हैं? देखिए, जैसे आपने सुना होगा, बीआरसी सर को भी सुना होगा, वो फ्रूट कोई भी खाया जा सकता है, फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ऑर्थराइटिस में डरते हैं, मैंने देखा खट्टे फ्रूट खाने से डरते हैं, नींबू लेने से डरते हैं, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया। मैं ये प्रयोग करके देखा उन पर, सुबह सुबह मैंने सबसे पहले उनको हल्दी मिला हुआ नींबू पानी, गर्म पानी पीने की सलाह देता था, उससे उनको काफी राहत मिली, खासकर
एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके घुटनों में इतनी ताकत आ गई कि वो खड़े होकर जो चेयर के ऊपर मैं जो एक्सरसाइज करवाता था वो करने लग गए थे। तो उनको शुरू में बड़ा डर लगता था कि गुरुजी ये तो खट्टा होता है नींबू, और मैं खट्टा लूंगी तो मेरी स्वेलिंग बढ़ जाएगी, और बहुत से लोग बोलते हैं कि खट्टा मत खाओ, आर्थराइटिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको बोलता था कि नींबू खट्टे की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन उनको ये बात का विश्वास दिलाने में थोड़ा समय चला गया। लेकिन कि उन्होंने एक चीज जरूर करके देखी कि गुरु जी को माना नहीं, गुरु जी की बात भी मानी। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर हुआ कि उन्होंने मेरी हर एक बात मानी और कोशिश की कि वो उस डाइट पर वो ध्यान दे सके। इसके अलावा और क्या किया आपने, क्या कौन सी सब्जियां खाने को कही? कई बार कहा जाता है कि अर्थराइटिस के मरीजों को ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए जिनकी वजह से उनके घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ जाए या हड्डियों में प्रॉब्लम बढ़ जाए, जैसे अरबी की सब्जी है, मना की जाती है। नहीं, वो सब्जी तो मैंने उनको मना ही कर दी थी, जो पका के खाने वाली सब्जियां, खासकर जो पका के खाई जाती हैं वो तो मैंने पहले से ही मना कर दी थी। जो कच्ची सब्जियां खाई जा सकती हैं, जैसे उनको बहुत अच्छी लगने लग गई थी घिया, दूधी, तो वो दूधी का प्रयोग करते थे, वो सफेद पेठे का प्रयोग करते थे, और दूधी वो पहले बिल्कुल नहीं खाते थे, कभी नहीं खाया। मेरे कहने से उन्होंने शुरू किया और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप दूधी खाकर तो देखिए, ककड़ी से भी मीठी लगेगी, और उन्होंने वो प्रयोग किया। तो वो जितनी भी चीजें कच्ची खाई जा सकती हैं वो वही सब्जियां खाई। अरबी तो एक ऐसी चीज है जो कच्ची खाई नहीं जा सकती है, तो वो उसको खाने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने वो तो बीच में ही नहीं आया वो हिसाब से। इसके अलावा आप कौन कौन सी एक्सरसाइज उनको करवाते थे? देखिए, एक्सरसाइज में सिर्फ ज्यादातर मैं उनके जॉइंट्स मूवमेंट के करवाता था। जैसे अभी वो उनका स्थिति ऐसा था कि उनकी जो उंगलियां हैं वो अंगूठे के पास ही नहीं आती थी, तो वो पहले मैं उनको कोशिश करवाता था कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट किया जाए, जितने भी जॉइंट हैं और उसमें वो धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाए। तो वो जब भी जैसे ही करने लगती थी वो कर्रा उठती थी, दर्द की वजह से वो बहुत कर्राती थी। तो उनको एक तेल मैंने सजेस्ट किया था, वो तेल आपके दर्शकों को बहुत काम आएगा, जिसमें सरसों का तेल और उसमें लहसुन डालकर और अजवाइन डालकर आपको पकाना होता है। बिल्कुल लहसुन को आप छील लें और छोटे छोटे चॉप करके उसमें लहसुन को आप तेल में जब डाल देते हैं, करीब समझ लीजिए आपको एक पाव तेल बनाना है, तो एक पाव तेल आपने ले लिया सरसों का या तिल का, दोनों थोड़े गर्म तेल होते हैं, और उसमें अगर आपने ये लहसुन चॉप करके डाल दिया और एक चम्मच अजवाइन डाल दिया, और फिर उसको बिल्कुल मंदी आंच पर, एकदम कम आंच पर जब पकाने लगते हैं, जब तब तक पकाना है जब तक कि वो सब काला ना पड़ जाए। जब एकदम वो काला पड़ जाए कम आंच पे रखने के बावजूद भी, उस समय आपको गैस बंद कर देनी होती है। फिर ठंडा करके जब उसको आप बॉटल में भर के रख लेते हैं, तो शरीर में कहीं भी दर्द होने दो, मैंने देखा इससे बढ़िया तेल जो है आपको बाजार में बहुत महंगे महंगे तेल मिलेंगे, इतनी सारी जड़ी बूटियों के साथ मिलेंगे, लेकिन राहत बिल्कुल नहीं मिलती दिखती है। लेकिन मैंने देखा है रात को जब इस तेल को लगा लेते हैं, और खासकर लगाने के समय एक इंस्ट्रक्शन मैं जरूर देता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ जब आप लगाते हैं तो तेल को नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, जिससे वो रोम छिद्र से पूरा अंदर तक समा जाए, तो इससे बड़ा लाभ होता है। लेकिन इसमें भी एक दुविधा थी कि मैंने उनको ये बताया तो था, लेकिन उनको लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर मेरे को उन्होंने हाथ छोड़ लिया, गुरु जी मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी बहुत से और मेरे ऑर्थराइटिस के पेशेंट थे, उनको तो लहसुन से कोई परहेज नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रयोग किया। तो ये तेल का मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया है, लेकिन ये रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस में मैं सोच रहा था काम आएगा, लेकिन उनको ही उनसे एलर्जी थी, उनसे प्रॉब्लम थी, उस वजह से उन्होंने क्षमा मांग ली, लेकिन बाकी चीजें उन्होंने फॉलो की, जो जो कच्ची सब्जियां खानी है। जब भी भूख लगे मैंने उनको एक ही डायलॉग बोला कि आप प्लेट भर के खाइए और पेट भर के खाइए, लेकिन किचन में पका के बिल्कुल मत खाइए। तो खाने के मामले में एक ही नियम था, आप जो खाएं जो कच्चा खा सके बस वो खाएं, और कुछ भी खाएं, उसमें कोई परहेज मैंने उनके लिए नहीं बांधा। अर्थराइटिस के मरीजों का रूटीन कैसा होना चाहिए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उन्हें किस प्रकार का रूटीन फॉलो करना है? देखिए, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जो सुबह सुबह उठते जो चाय पीते हैं ना, वो सबसे बड़ा घातक है उनके लिए।
लेकिन मैं किसी भी जब ऐसे पेशेंट से जब बात करता हूं तो वो मुझे बोलते हैं कि इतने सालों से चाय पी रहे हैं, वो चाय कैसे छोड़ सकते हैं। मैं उनको बोलता हूं, आप कितने भी अच्छे फ्रूट खा लो, कितने भी महंगे फ्रूट खा लो, बॉडी को आप अगर चाय डाल के एसिडिक कर लोगे, उसके बाद में बॉडी अल्कलाइन नहीं होने वाली है। कोई कितना भी महंगा फ्रूट खा ले, कैसी भी कच्ची सब्जी खा ले, कच्ची सब्जियां खा ले, ऐसा नहीं होगा। तो उनको एक तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी दृढ़ता लानी पड़ेगी कि जो चाय है या कॉफी है या इस तरह की वो कोई भी सुबह सुबह एक्टिविटी करते हैं, तो वो तो त्यागना पड़ेगा। हाँ, उठते ही जो सबसे पहले जो वो कर सकते हैं, जो मैंने बोला हल्दी आधा चम्मच, वो उसमें हल्दी में भी कुछ लोग डरते हैं कि गुरु जी गर्म करेगा, हल्दी बहुत गर्म करता है, लेकिन ये थोड़ा भ्रम है। हल्दी अपने आप में एंटीबायोटिक है। थोड़ा गर्म पानी करके, और गर्म भी पानी कितना कॉफी के जैसा गर्म कर सकते हैं, पानी को तेज गर्म करके, और उसमें आधा चम्मच आपने अगर हल्दी मिला दिया, और पूरा एक नींबू, नींबू में भी लोग कंजूसी करते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया कि वो बहुत खट्टा लगेगा उस डर से, उसमें दो ही बूंद डालते हैं, 10-15 बूंद ही डालते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, एक तो बड़ा साइज का नींबू ले और पूरा नींबू डाले उसमें, कंजूसी ना करें, और फिर उसको कॉफी की तरह सिप कर करके पिए। उससे उनका पेट भी अच्छे से साफ होगा, और स्टार्टिंग पहला ड्रिंक ही ये उनको कमाल दिखाएगा। उसके बाद जब वो फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, वो चाहे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते इस तरह के पेशेंट, तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा वॉक करेंगे खुलेगा, फिर चेयर के ऊपर बैठिए, खड़े हो जाइए, तो चेयर पे ही उठक बैठक कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो जमीन तक बैठना है, वो अपने बिस्तर, अगर चेयर नहीं है तो बिस्तर पे उठक बैठक कर सकते हैं। तो मेन मकसद है उनके जॉइंट्स में कम से कम आधा से 1 घंटा किसी भी तरीके से मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट में वो स्ट्रेच कर सकते हैं, वो अपने हिम्मत के हिसाब से जितने भी उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट हैं, या कलाई है या एल्बो है, तो हर जॉइंट का इस्तेमाल करना है उनको। तो मैं उनकी एक्सरसाइज का जो पैटर्न रखता हूँ वो बिल्कुल उसी तरह से रखता हूँ। ओम शांति। मैं संकल्प सिद्धि योग गुरु विश्वराज शर्मा से 1 साल से योगा की क्लासेस ले रही हूँ। मेरा नाम निशा डायस है और मैं कैरी नॉर्थ कैरोलिना में रहती हूँ। 1 साल पहले मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी तकलीफ़ थी और मेरे हाथ से बॉटल भी नहीं उठती थी, कोई चीज़ राइट हैंड से पकड़ी नहीं जाती थी, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और दर्द था। और जो यहाँ के डॉक्टर को दिखा रही थी, उन्होंने मुझे 3 अलग अलग दवाओं पे रखा था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, सिर में दर्द, सारे समय थकान, नींद लगती थी। तो गुरुजी के साथ योगा शुरू करने के बाद उनकी डाइट फॉलो करने से 2-3 महीने के अंदर मुझे काफ़ी फ़र्क होने लगा, और धीरे धीरे मैंने सारी दवा अब बंद कर दी हैं और मुझे बहुत फ़ायदा है। तो गुरुजी ने तीनों चीज़ों में मुझे हेल्प करी है, आहार, विचार और व्यवहार। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा देती हूँ, और मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा डिसिप्लिन से, ज़्यादा रेगुलरली उनकी कही हुई चीज़ों को फॉलो करूं, जिससे मुझे और आराम हो। इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें जो आपने बताया नींबू पानी पीना चाहिए, उसके बाद में एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के बाद में मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, और यकीन करना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और कोई भी डायरी या रजिस्टर में मैंने देखा कि जिनको मैंने ये अभ्यास करवाया था, वो अमेरिका में रहती हैं लेकिन हिंदी बहुत अच्छी जानती है निशा जी, और वो रजिस्टर रखती थी, बाकायदा रजिस्टर रखती थी, पेन रखती थी, और जरा सा मैं कुछ बोलता था, हाँ गुरु जी रुकिए, और लिख लेती थी, और मतलब बहुत ही बढ़िया से उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। और उसके बाद मैं उनको बोलता था, प्रार्थना करने के बाद जो भी आप फल खाने वाले हैं, सुबह सुबह फल खाने वाले, पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी मैंने देखा है कि आप सामने कहीं ना कहीं तो पूजा करते हैं, कैंडल जलाते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो दिया जलाते हैं, तो आप जो भी जाति के हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन आप पहले समर्पित कर दीजिए, और समर्पित करेंगे तो फल नहीं रहेंगे, फिर वो प्रसाद बन जाएगा।
और फिर उसको जब आप चबा चबा के खाएंगे, मैंने उनको ये भी बोला कि आपको कोई भी फ्रूट खाना है तो अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं कि फ्रीज में रखते हैं ये चीजें जो है ना, फ्रूट्स को फ्रीज में रखते हैं और ठंडा खाना पसंद होता है, वो निकाल के खाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ ये हो जाती है कि बहुत ज्यादा अगर ठंडा खाओगे तो भी आपके मांसपेशियां जकड़ जाएंगी, तो इसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है आपको। वो फ्रूट जो है पहले निकाल देना है, जैसे ही आपको समझ लीजिए आप नहाने जा रहे हैं उसी समय पे आपने फ्रिज से जो जो फ्रूट आपको खाने हैं वो आपने निकाल के रख दिए, नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिए, उनको पानी से धोना वगैरह जो भी करना है क्लीन करना है वो कर लिया। और जैसा कि आप बीआरसी सर का देखा है, वो आपने डीआईपी डाइट का सिस्टम वजन करके, तो आप बॉडी वेट के हिसाब से जो भी आप 10 ग्राम से गुणा करते हैं अपने शरीर के वजन से, उतना आपने फल रख लिया। और मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा उससे ज्यादा ही रखिए, तो वो ज्यादा रखती थी और बराबर उसको चबा चबा के खाना होता है। उसके बाद कई बार मैंने ये भी नोटिस किया कि एक साथ वो इतने फल नहीं खा सकते, उनको लगता है कि नहीं मैं तो एक या दो फल खाते ही उनका पेट भरा भरा सा हो गया, तो मैं उनको बोलता हूँ कोई दूसरा घर का काम कर लीजिए इधर उधर और करके फिर वापस आके खा लीजिए। तो ऐसा उन्होंने किया और दोपहर को 12 बजे तक या 11 बजे तक उन्होंने फ्रूट कंप्लीट किए, फिर उनको जब भूख लगी तो सैलेड खाया, और खाना नहीं खाया उन्होंने मतलब जो सेकंड प्लेट होती है वो बिल्कुल छोड़ दिया, और जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ सलाद और उसी पे रहे। और लेकिन अभी भी वो जो मिलेट्स ले रहे हैं, अभी भी गेहूं और चावल तो वो नहीं ले रहे। मिलेट्स का प्रयोग कब, कहाँ और कितना करना चाहिए? देखिए सब जगह मैंने ये देखा है कि अवेलेबल भी नहीं है मिलेट्स, जो मिलते नहीं है, लेकिन आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज हो गई है और सारे मिलेट्स मिलते नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि बाजरा खासकर जो बहुत कॉमन है अपने, खासकर मेरे कुछ स्टूडेंट है राजस्थान बीकानेर और सुजानगढ़ की कुछ महिलाएं जिनका घुटनों में आराम आया, वो वहां पर बाजरा पहले से ही खाया जाता था, तो वो एक ऐसा मिलेट है जो पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है और इन दिनों वो काफी उगता भी है, बारिश के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, तो बाजरा कंटिन्यू खाते हैं, ताजा बाजरा आता है, फ्रेश होता है। तो बाजरे की कई जातियां हैं, कई प्रजातियां हैं, तो आप उसमें से आप चुन लीजिए। देखिए ये सब चीजें मिलेट्स में सबका अपना अपना टेस्ट है, सबका अपना अपना बजट भी है, तो लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि आप दो चीज छोड़ दोगे ना, कि ये खासकर गेहूं और चावल, उसके बाद में आपके सामने चना आता है, चना खा सकते हैं, लेकिन चना खाने में ध्यान रखना है कि चने के साथ में आपको गैस होने की संभावना ज्यादा है, तो चने का अगर कुछ भी आप बना रहे हैं जैसे चीला बना के कुछ लोग खाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ उसमें अजवाइन जरूर डालिए, नहीं तो उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिनको पहले से ही शरीर में दर्द रहता है जगह जगह और गैस हो गई तो उनको बहुत ज्यादा और तकलीफ बढ़ सकती है, तो ये बहुत सावधानियां कुछ करनी पड़ती है वो। लेकिन वो कब होता है, जब आप सामने आमने मिलते रहते हैं और हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन जब क्लास कर रहे होते हैं तो उनको फॉलो करना आसान रहता है, ऐसे कभी 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 वो भूल भी जाते हैं, स्किप भी कर जाते हैं, बहाना भी बना लेते हैं, ऐसा होता है। कौन कौन से मिलेट्स खाने चाहिए? देखिए मिलेट्स में तो आप अगर फॉलो करेंगे तो मैं बोलूंगा खादिर वली साहब का वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें श्री धान्य जो है, श्री धान्य के जो उनके पांचों सुपर है और सबको खाने चाहिए। मैं तो कई बार मैं खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाते, कभी कभी ऑनलाइन से मंगाना संभव नहीं होता और कभी कभी समय नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके। ये जो श्री धान्य है ये आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल सर्च करना है और आपको श्री धान्य मिल जाएंगे, और आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। जब आप मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं तो क्या कुछ और भी साथ खाने का बोलते हैं या सिर्फ मिलेट्स ही खाने होते हैं उस टाइम? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप स्वामी परमाले जी का नाम सुना होगा, उसमें वो बहुत सारे सीड्स जो खाने को बोलते हैं, जो सीड्स की एक पूरी श्रेणी है, आप जैसे किशमिश है अपना, आप क्या बोलते हैं, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, तिल के दाने हैं, मेथी दाने हैं, तो ये भी पूरा का पूरा एक श्रेणी है, इनको भिगो के अलग अलग कटोरी में भिगो के मैं रखने को बोलता हूँ, और अलग अलग कटोरी में कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो एक ही कटोरी में सब कुछ भिगो देते हैं और मिक्सर में डाल के उसको मैश करके स्मूदी बना के खा लेते हैं, तो वो भी इतना लाभ नहीं देता जितना चबा चबा के आप अलग अलग चीज खाएंगे, उसके आपको अलग अलग गुण मिलेंगे, और उसमें बहुत बड़ा पेशेंस के साथ
समय नहीं रहता, लेकिन आप बीच बीच में कभी ना कभी, जब भी कोई अन्न छोड़ता है, जब प्लेट छोड़ दिया उसने, खाना छोड़ दिया, तो आप देखोगे उसको भूख लगती ही लगती है। तो कुछ इधर उधर से बिस्किट खाने से अच्छा है, या कुछ बाहर का कुछ पैकिंग फूड, क्योंकि मैंने वैसे भी डीआईपी डाइट का पूरा उनको चार्ट दे के रखा है, तो उसमें साफ लिखा है कि आपको पैकिंग फूड नहीं खाना है, आपको बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी है, आपको दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं खाने। तो भूख लगेगी तो क्या करेंगे? तो जो अगर इस तरह से आपने बादाम भिगोया है, काजू है, पिस्ता है, आपका अखरोट है, या आपका अंजीर है, तो इस तरह की सारी जो ड्राई फ्रूट है, ये भी आप आराम से उसमें भिगो के, मैं खाने की उनको सलाह देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा डाइट में उनके साथ चलता है। विशुराज जी, क्या रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है? हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है ये। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को अगर आप पूछें कि शटडाउन करना जरूरी है, तो क्या बोलेंगे आप? शटडाउन करना बहुत जरूरी है। बिना शटडाउन किए आप डायरेक्ट अगर स्विच ऑफ कर देंगे, तो आपकी जो फाइलें हैं वो सही जगह पर सेव नहीं हो पाएंगी। हो सकता है आपने कुछ उसमें सेव किया हो तो वो भी उड़ जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप पूरा दिन में पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं, किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तो इसमें आपको सीधा सा लाभ मेडिटेशन से मिलता है। और खासकर रात को सोने के समय आपको अफर्मेशन करनी होती है, और इसको योग निद्रा भी बोलते हैं। मैं जब किसी को सोने के लिए बोलता हूँ कि लेफ्ट करवट लेकर आप जब सोने के लिए जाते हैं, तो अपनी सांसों का पीछा करिए, और सांसों का पीछा करते हुए जो मैं छोटा सा एक ऑडियो बना के दूं, या मैंने जो आपको मेडिटेशन एक्सरसाइज करने के समय जो करवाया है, वो आप इम्प्रोवाइज कर सके और अपने हिसाब से कर सके। जैसे मैंने कुछ बोला और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और आपको इंग्लिश पसंद है, तो आप उसी चीज को इंग्लिश में फील कर सकते हैं, लेकिन स्लो पोर्शन में करना है आपको मेडिटेशन में। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि जब बैठते हैं या कुछ अंदर सोचते हैं, तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। जब भी आपको ये करना होता है, बहुत स्लो स्पीड में करना होता है। ये मान के चलिए कि एक जैसे कि आप जो चीज सोच रहे हैं वो आप उतनी स्पीड में बोल नहीं सकते, और जो आप बोल रहे हैं वो आप उस स्पीड में लिख नहीं सकते, लेकिन जिस स्पीड में आप लिख रहे हैं, अगर आप उस स्पीड में सोचेंगे, तो आपका वाकई सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचेगा। आप समझ रहे हैं, अल्फा अवस्था जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो स्लो कैसे होगा, तो लिखने की आप स्पीड देखिए, आप जिस स्पीड में लिख रहे हैं तो कितना स्लो है, उस स्पीड में अगर आप सोचेंगे तो आपको फील होगा, बहुत डीप में फील होगा और बहुत गहराई में अनुभव होगा। लेकिन अगर आप वही चीज को जल्दी जल्दी सोचेंगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो सोचना है, और वैसा विजुलाइज करना, अपने आप को फील करना है कि आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, आप जो चीज को उठाना चाह रहे हैं उठा पा रहे हैं। तो जैसे उनको बड़ी खासकर ऑर्थराइटिस वालों को दिक्कत ये होती है, वो सामान उठा नहीं पाते हैं, तो उनको विजुलाइज करना होता है कि वो क्या कर सकते हैं, और जो जो वो फील करते हैं, धीरे धीरे उनको उसी अवस्था में फील करते करते नींद आ जाती है, और वो रात भर चलता है। तो वो रात को तो बहुत ही जरूरी है, और सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड भी करना जरूरी है। इसलिए ये मान के चलिए स्टार्ट और क्लोज ये दोनों बहुत जरूरी है। सुबह आपको कुछ नहीं करना, विजुलाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो मिला जितना मिला, हे परमात्मा को, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनका ध्यान किया, हे ईश्वर आपने जितना दिया जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया करके फिर आपको बॉडी को मूवमेंट दे के, धीरे धीरे स्ट्रेच करके, एक एक चीज को खोलते हुए, अपने मन को खोलते हुए, अपने एक एक ज्वाइंट को खोलते हुए, अपने यात्रा जो है जीवन की यात्रा शुरू करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी है। जो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस के मरीज होते हैं, या फिर हम ये कहें कि केवल अर्थराइटिस के भी जो मरीज होते हैं, उनको सुबह लहसुन की 2 कलियां खाने को कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन इस केस में मैंने देखा, आपको मैंने जैसे बताया, वो पेशेंट लहसुन को देखते ही भाग जाती है, तो उनको तो मैं सलाह देने के बाद भी, लेकिन हाँ फायदा होता है, और लेकिन फायदा उसका अगर आपको पूरा लेना है, ज्यादा फायदा लेना है, तो उसका एक टेक्निक है कि आपको लहसुन तुरंत नहीं खाना। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जो गलती करते हैं, वो लहसुन को छीला और 2 कली तुरंत निगल गए पानी के साथ में, या कुछ लोग चबा के तुरंत खा जाते हैं, वो नहीं करना है। उसको कट करके थोड़ा रख दो, थोड़ी देर कम से कम उसको हवा में एक्टिवेट होने दो, उसके अंदर के जो तत्व है वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपके काम नहीं आएंगे। तो वो
बहुत सिंपल, उसमें देखिए हम अंदर तक जाएंगे, उसके केमिकल के लिस्ट पे जाएंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मेन आपको समझना है कि कोई भी तत्व जब तक एक्टिवेट नहीं होता है तब तक वो जल्दी काम नहीं करता। और इसको आपने अगर 15 मिनट के लिए हवा में रख दिया लहसुन को काट के, उसके बाद आपने कैप्सूल की तरह उसको निगल लिया तो बहुत जल्दी काम करता है। और खासकर ऑर्थराइटिस ही नहीं, और भी खासकर सर्वाइकल जिनको है, या कोई भी तरीके का फ्रोजन शोल्डर है, या कहीं शाइटिका है, तो इनमें भी ये लहसुन बड़ा काम करता है। कहा तो ये जाता है कि लहसुन को अगर आप छील के मैश करके रखोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, वो खराब हो जाता है, फिर खाने लायक नहीं रहता। ये बहुत देर तक नहीं रखना है ना, 10 से 15 मिनट में वो खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्मेल फैल जाएगी, वो अलग बात है कि पूरे वातावरण में फैल जाएगी, लेकिन उसके साथ ही उसके अंदर के जो केमिकल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वो भी चाहिए। और एक्टिवेट होने से ये तुरंत अपने अंदर तक जाते ही तुरंत काम करेंगे, वो बहुत जल्दी असरकारक होंगे। और नहीं तो वो ऐसे ही कभी कभी जो कुछ लोग डायरेक्ट कैप्सूल की तरह जो लहसुन को निगल जाते हैं, वो उनको तो बिल्कुल ही काम नहीं करता, वो ऐसे ही स्टूल से निकल जाते हैं और वो काम ही नहीं आते। कुछ लोग कट करके खाते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन जो थोड़ा हवा में रख के खाते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा। योगाचार्य विश्वराज शर्मा जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।